सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आज लीलामृतम का हम पाठ 25वें मासिक विश्राम से आगे प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले श्री प्रभु जी का एक छोटा सा भजन, फिर लीलामृतम का पाठ करते हैं। सुमेरे मनवा प्रभु जी चरणा, 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 पातक हरणा सब सुख करना, पातक हरणा सब सुख करना, अंतरतम सब विघ्न निवारणा, अंतरतम सब विघ्न निवारणा, चरण कमल जो निस दिन ध्यावे, चरण कमल जो निस दिन ध्यावे, भव सागर तरना, भव सागर तरना प्रभु जी चरणा, सुमेरे मनवा प्रभु जी चरणा, सुमेरे मनवा प्रभु जी चरणा। दीन बंधु प्रभु जग आधारे, दीन बंधु प्रभु जग आधारे, जो ध्यावे उन कष्ट निवारे, जो ध्यावे उन कष्ट निवारे, जग माया मन पीच फसावे, जग माया जग बीच फसावे, सुमिरन मन करना, सुमिरन मन करना प्रभु जी चरणा, सुमिर मनवा प्रभु जी चरणा, सुमिर मनवा प्रभु जी चरणा। योगेश्वर जगदीश्वर प्रभु जी, योगेश्वर जगदीश्वर प्रभु जी, मात पिता बंधु सखा हैं प्रभु जी, मात पिता बंधु सखा हैं प्रभु जी, सच्चे साथी अंग संग रहते, सच्चे साथी अंग संग रहते,
हर पल प्रभु भजना, हर पल प्रभु भजना, प्रभु जी चरण सुमिर मनवा, 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 प्रभु जी चरण, प्रभु जी चरण। तो कल तक की घटना में हमने देखा किस तरह से ब्रह्मचारी श्री गोपालानंद जी महाराज पर प्रभु जी कृपा हुई, वो अपने पहले वाले गुरु के श्राप से मुक्त हुए और प्रभु जी ने उनके श्रापों का जस्ट उसका उलट प्रभाव कर दिया और उन्हीं प्रभाव उल्टा होकर प्रभु जी ने उसको उनको चार वरदान दिए। तो उनमें से एक वरदान था कि तुम्हारी डॉक्टरी और बढ़ेगी, व्यवसाय और बढ़ेगा, तुम चाहो तो बहुत बड़े धनवान भी बन सकते हो। तो उनके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि प्रभु जी ने ये वरदान तो दे दिया है लेकिन हम किस तरह से धनवान बनेंगे। तो ये प्रश्न उनके मन में आया, फिर उन्होंने प्रभु जी से पूछा। हमें कथा सुनाते हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, हे पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की, वैद्यराज द्रण आसन लाए श्री प्रभु जी का ध्यान लगाए, ध्यान में प्रगटे लीला धारी त्रिभुवन नायक योग बिहारी, हाथ जोड़ कर राम गोपाला प्रभु जी से था प्रश्न निकाला, किस विधि धनिक बने हम स्वामी, कहो विधि है अंतर्यामी, सुन कर प्रभु जी थे मुस्काए, सनमुख देखो हुकम सुनाए, आयुर्वेदिक दवा दिखाई कई विषों का मिश्रण भाई, तब प्रभु जी ने किया इशारा, योग नोट यह कर ले सारा, गुण औषधि के सदा बतला कर
अधिकारी से आज्ञा पाकर तुम भाई दबा बनाना धन से तेरा भरे खजाना अमृत धारा की ये भांति औषध पावे जग में खाती हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान लिखी दबा गोपाल ने प्रभु आज्ञा अनुसार प्राप्त दवा निर्माण का कर लीना अधिकार मगर की मिति था बड़ा इस औषधि का योग धन नयन के पास था कठिन दुखद संयोग हुआ यूं कि गोपालानंद जी के मन में आया कि हम पैसे वाले कैसे बने तो उन्होंने प्रभु जी से पूछा कि आपने तो वरदान दिया था तो पैसे वाले कैसे बने प्रभु जी ने उनको एक दवा का एक फॉर्मूला दिखाया ध्यान में वो फॉर्मूला कई विषयों का मिश्रण था प्रभु जी बोले इसको नोट कर लो इसका प्रॉपर जो सरकार की तुम्हारी नीति है उससे परमिशन लेके तुम बनाना ये दवा दिव्य बनेगी भारत में उस समय अमृत धारा बड़ी प्रसिद्ध थी प्रभु जी बोले अमृत धारा की तरह ये प्रसिद्ध हो जाएगी तुम्हारा धन के भंडार भर जाएंगे ऐसा कहके प्रभु जी ने वो सब उनको लिखा दिया इन्होंने सरकार से परमिशन भी ले ली दवा बनाने की फिर इनके मन में आया कि भाई दवा के लिए जो फैक्ट्री वैक्ट्री चाहिए पैसे कहाँ से आएंगे ये फिर ध्यान में बैठे प्रभु जी से बोले कि प्रभु जी परमिशन तो भी मिल गई लेकिन अब पैसे तो है नहीं दवा कैसे बनेगी तो प्रभु जी ने फिर एक ध्यान में एक व्यक्ति की शक्ल दिखाई बोले देखो एक सेठ है ये तुम्हारे पास आएगा ये तुम्हारे साथ भागीदारी चाहेगा तुम इसको 50% का हिस्सेदार बना लेना पैसा ये लगाएगा और तुम्हारा इस तरह से धंधा चल जाएगा जब प्रभु जी ने ये बताया ये ध्यान से उठे अगले दिन सुबह जब ये ध्यान में बैठे थे उसी समय व्यक्ति आया और इनको अपना मंतव्य बताया और इनको पैसे दे दिए ये पैसे लेके अंदर आए घर के फिर अचानक इनके मन में एक विचार आया कि जरा देख लें कि इन पैसे के आने के बाद जब धंधा मेरा चल जाएगा तो मेरी स्थिति क्या होगी ये ध्यान में बैठे इन्होंने देखा कि इनके चार चार स्त्रियां हैं बड़ा महल सा मकान है काफी रुपया पैसा है इनका शरीर भी काफी मोटा हो रखा है काफी बड़ा पेट निकला हुआ है और ये किसी पलंग पर लेटे हुए हैं दर्द से कराह रहे हैं इनको अफरा हो गया है और इनके पास इनकी कोई भी स्त्री नहीं ना कोई बालक इनके पास इनकी सेवा के लिए है या अकेले ही अकेले पड़े करा रहे हैं और फिर अंतिम में यमदूत वगैरह आते इनका मृत्यु काल में ये इन्होंने दृश्य देखा तो इन्होंने मन में फिर प्रभु जी से संकल्प लेके पूछा कि प्रभु जी यदि ये धन ना कमाए और ऐसी साधु वृत्ति से रहे तो क्या होगा
तो प्रभु जी ने दिखाया कि ये भगवान कृष्ण का संकीर्तन कर रहे हैं बड़े मन से, किसी जंगल में घनघोर बारिश हो रही है, हवा तूफान चल रहा है, ये भीग रहे हैं, लेकिन इनको कोई भी शिकन नहीं है, ये मस्त हैं। और इसी तरह से भजन करते करते अंतिम में किसी दिव्य लोक की ओर गमन कर रहे हैं, ये दृश्य देखा। जब ये दृश्य देखा तो फिर इनके मन में तुरंत विवेक जागा, वैराग्य हो गया, ये वापस आए और वो आदमी को बोले, भाई पैसे तुम ले लो, हमें धंधा नहीं करना। इन्होंने सारी दवाएं एक बड़े चद्दर में बांधी और सीधा प्रभु जी के पास पहुंच गए। प्रभु जी के चरणों में दवा रख के, सारी दवाएं रखी, गठरी रख दी। बोला, प्रभु जी अब मुझे ये धंधा नहीं करना, आपके चरणों में ही रहना है, जीवन भर भजन करना है। प्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु जी ने इनको गले लगा लिया और प्रभु जी ने और तीव्रतम शक्तिपात किया, इनको तुरीयावस्था जारी हो गई, तुरीयावस्था में रहने लगे। फिर इनके मन में चूंकि पूर्ण वैराग्य था, उसी वक्त इनके पिताजी गोविंद राम जी आए। जैसी गोविंद राम जी आए, ये घबरा गए, प्रभु जी से बोले, बड़ा भारी विघ्न आ गया, पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं तो आपके चरणों से जाना नहीं चाहता। प्रभु जी बोले, चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी स्वयं तुमको छोड़ के जाएंगे, आज्ञा देके। उधर प्रभु जी ने प्रेरणा करी, ये एक कमरे में जाकर ध्यान में बैठ गए गोपालानंद जी, तीव्रतम ध्यान लगा दिया प्रभु जी ने। इनके पिताजी ढूंढते ढूंढते इस कमरे में पहुंचे, इन्होंने देखा कि इनके शरीर में चारों तरफ सर्प लिपटे हुए हैं, बेटे का कोई होश ही नहीं है। डर के मारे कमरे से बाहर आ गए, पिताजी ने प्रभु जी से आके कहा कि देखो ऐसा ऐसा है। प्रभु जी ने कहा, देखो तुम्हारा बेटा तो बहुत उच्चतम स्थिति में है, ये खुद को तो तारेगा, तुमको भी तार देगा, इसको ऐसे लोग विरले होते हैं, इसको तुम गृहस्थी मत डालो। इनके पिताजी ने ऐसे आने आंखों से जो नजारा देखा था, इनके मन में भाव आ गया, मेरा बेटा बहुत बड़ा महात्मा है, प्रभु जी की प्रेरणा चल रही थी, ये खुद ही बाजार गए, पीले वस्त्र ले आए और प्रभु जी इसको संन्यास की दीक्षा दे दो। प्रभु जी ने वो वस्त्र पहनवा दिए, उनके पिता ने जैसा बोला था उनकी सहमति से प्रभु जी ने कहा, चलो ठीक है, आज से तुम ब्रह्मचारी हुए, चलो ब्रह्मचर्य की तुमको दीक्षा दिलाते हैं, ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठे, इन्होंने देखा बंसी तो रही, बीन घड़ शंख आदि बज रहे हैं, हरिहरानंद जी दिव्य लोक में बैठे बैठे सारे देवी देवताओं ऋषि मुनि का स्वागत कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, अंत में हम महाप्रभु जी स्वयं आए, सबको उन्होंने स्वागत करके बिठाया। फिर इनको जो है ब्रह्मचर्य की दीक्षा दिलाई गई, ब्रह्मचर्य की दीक्षा में बहुत सारी शपथ और प्रतिज्ञा दिलवाई जाती हैं हवन के सामने, वो इसमें कुछ वर्णन इसमें किया है। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य
कथा प्रभु राम लाल भगवान। प्रथम धर्म गुरुदेव की सेवा, पितु माता को माने देवा, जो आज्ञा दे गुरु गुण धानी, मन वच कर्म से हो निवानी, आलस निद्रा धन अरुत नारी, साधन के ये दुश्मन चारी, इनसे बच कर चलना होगा, कुछ नहीं संग्रह करना होगा, मदिरा मांस पान नहीं खाना, तन का नहीं श्रृंगार कराना, मन बच करना चोरी करनी, सदा सत्य में प्रीति धरनी, गुरु से पूर्व कभी मत सोना, पहले जाग कर मरत होना, प्रथम प्रभु को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं कुछ खाना, केवल मोह गुरु से करना, हृदय धार कर इनके चरणा, चित्त किसी का नहीं दुखाना, ऐसा निज व्यवहार बनाना, चंचल मन जग के नर नारी, इनसे बच रहना तपधारी, जब इनके संपर्क में आओ, ध्यान मगन मन में हो जाओ, विषय वासना मन मत धाना, लगे ध्यान तप जप अपना, दस पग मार्ग देख कर जाना, नीची दृष्टि सदा रखाना, बसन देह नारी की शैया, इनसे दूर ही रहना भैया, कभी ना इनकी तरफ निहारो, उनमें प्रभु की मूरत धारो, उपबीत हूँ हर मास बदल, पंच यज्ञ भी करते चलना, मौन धारणा शुभ फलदाई, अधिकाधिक लिए इसे निभाई, गुरु आज्ञा का पालन करना, उनकी प्रीति सदा उर भरना, धर्म तुम्हारा मूछ कमाना, पद में निज यू कदम बढ़ाना, दीक्षा पूर्ण हो गई श्री गोपाल।
पाला की आज निज निज धामों को गया। मुनि सब ऋषि समाज अंत में दे आशीष तब बोले आनंद कंद राम गोपाल से अब हुए तुम गोपाल आनंद। कृष्ण प्रेमानित तुझ में छावे रोग निकट नहीं तेरे आवे बनो मोक्ष के तुम अधिकारी पूर्ण कामना होए तुम्हारी शक्ति बात प्रभु जी ने कीना लगा कंठ से अपना लीना हम कथा सुनाते हम कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य की दीक्षा उस दिव्य लोक में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ऋषि वशिष्ठ ऋषि गौतम ऋषि कपिल सभी के बीच में ये दीक्षा पूर्ण हुई। प्रभु जी महाप्रभु जी के सानिध्य में हुई। सारे देवी देवता थे। उस दिन से प्रभु जी ने उनका नाम गोपाल राम गोपाल से गोपालानंद कर दिया। प्रभु जी ने आशीष दिया कि तुम मोक्ष के अधिकारी बनोगे इन सारी आज्ञाओं का पालन करना और तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रेम का ऐसा धारा बहेगी कि तुम उसी प्रेम में ओत प्रोत रहोगे। प्रभु जी का वरदान मिला। उस दिन से वो सारे ये नियम मानने लगे अपना ध्यान अभ्यास बढ़ाते रहे। तुरीयावस्था की जारी रही। फिर एक दिन उन्होंने ध्यान में अचानक एक दृश्य देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या लड़की इनके ध्यान में आई। वो बार बार इनके पास आती। ये घबरा गए। ये बोले प्रभु जी आपने तो मुझे ब्रह्मचर्य का वरदान दिया कामुकता से दूर रहने का वरदान दिया लगता है ये कन्या मेरा ये सब भंग कर देगी। प्रभु जी प्रकट हो गए। प्रभु जी ने उसको बोला कि देख ये मेरा बालक है तू इससे दूर जा इधर मत आना। जब वो फिर भी नहीं सुनी प्रभु जी ने ताली बजाई सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और प्रभु जी की आज्ञा पाकर उस कन्या का धड़ अलग कर दिया। जैसी वो कन्या का धड़ अलग हुआ एक महादैत्य प्रकट हुआ और वो चिल्लाता हुआ आसमान की ओर लुप्त हो गया। इस तरह से प्रभु जी ने कृपा करके काम वासना इनकी हर समय के लिए वो खत्म कर दी। इस तरह से इनका योगाभ्यास लगातार चलता रहा। वहीं ये घटना और हुई। प्रभु जी की ये सेवा कर रहे थे ऋषिकेश में। प्रभु जी के नित्य ये पैर दबाते थे। एक दिन ये ऋषिकेश में कुआं है कुआं आजकल बंद कर दिया। उस कुएं पे ये जल खींच रहे थे बाल्टी खींच रहे थे अचानक इनका पैर फिसल गया साबुन का पानी पड़ा था और एक लोहे की कील इनको हाथ को चीरती हुई चली गई रक्त की धार बहने लगी। और भी कई सत्संग में लोग बैठे थे प्रभु जी गोपालानंद तो आपके बड़े प्यारे बच्चे हैं इनको ही साथ ऐसा क्यों। प्रभु जी ने पहले तो मजाक किया कि देखो ये बहुत जोर जोर से पैर दबाता है चलो आज चोट लग गई तो अभी तो थोड़ा सा आराम मिलेगा अभी ये पैर मेरे नहीं दबाएगा। लेकिन जो ध्यानी थे इन्होंने ध्यान में बैठ गए जानने के लिए भाई इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इन्होंने देखा ये पूर्व जन्म में मथुरा में ब्राह्मण है
ब्राह्मण के कार्य करते हैं। इनकी एक स्त्री है, एक गौ माता है। एक बार ये कहीं पास की किसी गांव में पूजा के लिए जाना चाह रहे थे। इनका नाम था राम नारायण। तो इन्होंने अपनी स्त्री को बोला कि देखो हम पूजा के लिए जा रहे हैं, तुम हमारी गऊ को चारा वारा टाइम पे काट के खिला देना। इनकी पत्नी को किसी पड़ोसी का न्योता आ गया जन्मदिन का, तो ये जन्मदिन मनाने के लिए चली गई, गऊ को चारा नहीं डाला। ये लौट के दूसरे गांव से आए, देखा कि गौ माता भूखी प्यासी है। इनको क्रोध आ गया, इन्होंने पहले तो चारा उठा के काटा, गौ माता को डाला। ये जब चारा काट रहे थे, उनकी वो पत्नी पड़ोस से वापस आई और इन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं चलो मैं काट देती हूँ। इन्होंने क्रोध से उसको बार बार धक्का दिया कि नहीं अब मैं ही काटूंगा, तू हट यहां से। ये धक्का मुक्की में वो जो गड़ासा था जिससे वो काट रहे थे, वो इनकी पत्नी के हाथ में जोर से लग गया और इनकी पत्नी का हाथ कट के कुआं में गिर गया। कुएं में गिर गई, पत्नी वहां तड़फने लगी। ये डर गए, ये घर छोड़कर भाग गए और इस तरह से तड़पती हुई इस पत्नी की मृत्यु हो गई। तो एक्चुअली संस्कार ये दिखाया कि चूंकि जिस तरह से हाथ कट के उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, उसी तरह से इनका भी हाथ कटना था, इनकी भी मृत्यु होनी थी। क्योंकि ये योग मार्ग में है, प्रभु जी की शरण में है, इसलिए वो इतना बड़ा संस्कार प्रभु जी ने सूक्ष्म में काट दिया। या हाथ में चोट लगी, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, नहीं तो आज इनकी मृत्यु होनी थी। इस तरह से जब ये घटना लोगों ने देखी, कई लोगों मन में जिज्ञासा आई कि इस बात की सत्यता जानते हैं क्या, ये ध्यान में सही दिखा। कुछ लोग वहां से गए मथुरा के पास उस गांव में और वहां पूछताछ करी कि भाई कोई रामनारायण नाम का ब्राह्मण रहता है, किसी को पता नहीं था। तभी वहां एक कोई वृद्धा बहुत वृद्ध व्यक्ति मिला, बोला अच्छा हाँ रामनारायण था, अभी तो उसके कुटुंब के सब मर गए। और बताया उसने कि यहां पर घर था, उस वो घर तो अभी किसी ने खरीद लिया, वहां तो कुछ होटल दुकान बन गए, लेकिन यहां था। वो पत्नी का हाथ कटा था, वो घर छोड़कर भाग गया था, पत्नी मर गई थी उसकी। तो सारी घटना उस वृद्ध ने लोगों को बता दिया, तो वो सत्य घटना थी। अच्छा, अब अगला बात ये कि गोपालानंद जी की आदत थी, ये ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास जाते थे और उनसे उनका ज्ञान लेने की कोशिश किया करते थे। इनके मन में तृप्ति नहीं थी, प्रभु जी ने इतनी भारी कृपा की, इतनी ऊंची स्थिति दी, इसके बाद भी इनकी इच्छा रहती थी सभी से सब कुछ सीख लिया जाए। और इसी तरह ये बहुत से ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे। एक बार गुरु नानक के पास चले गए, कभी शबरी के पास मूर्छा कुंभक सीखने चले गए, कभी कबीर जी के पास से पूछा कि उनका वो ध्यान लयता कैसी होती है, कबीर जी ऐसे करते थे। तरह तरह की इन्होंने ज्ञान लिया। एक बार नानक जी के पास पहुंचे, गुरु नानक के पास, गुरु नानक से पूछा कि आप के सिखों में बहुत बल होता है, कोई बलाकर्षणी प्राणायाम आपको आता सिखा दो। पहले उन्होंने कहा कि देखो सीखना है तो अपने प्रभु जी से सीखो। ये जिद करने लगे, इन्होंने सिखा दिया, बोला कि देखो अपने गुरु आज्ञा से तुम करना। ये माने नहीं, इन्होंने कर लिया, इनका शरीर फूल गया और फूलते फूलते फटने लगा, घबरा गए, प्रभु जी के चरणों में आके रोने लगे। प्रभु जी बोले भाई तेरा शरीर तो बड़ा फूल रहा है, भाई लग रहा है तूने गुरु नानक से सीख के आया ये प्राणायाम, क्या तेरे कुश्ती लड़नी किसी से। इन्होंने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जी कुश्ती तो नहीं लड़नी, लेकिन प्रभु जी गलती हो गई, अब ठीक करो। तो प्रभु जी ने फिर वहां दो बच्चों को जो प्रभु जी के थे वहीं पर उनको बोला कि अच्छा ठीक है, सिरका कुछ प्रभु जी ने एक दो जड़ी बूटी बताई, इसको मिला के इनके शरीर में मालिश करो, तब थोड़ा सा ये शरीर इसका पतला होगा, नहीं तो वो शरीर फट जाएगा। तो इस तरह से इनकी आदत थी कि जगह जगह जाके
लोगों से उनका ज्ञान ले लेते थे। एक बार यूं बैठे हुए थे तो अचानक इनके सामने भगवती माँ दुर्गा प्रकट हो गई। ये बड़े आश्चर्य में बोले, माता हमने आपको तो याद ही नहीं किया, आप कैसे प्रकट हो गए? तो माता ने बोला कि देखो, तुमने कलकत्ते के रहने के दौरान तुमने मेरे बड़े अनुष्ठान करे, तेरा मन शुद्ध नहीं हुआ था, मैं तो तेरे पास ही थी लेकिन तू मुझे देख नहीं सकता था, अब तुमको तुम्हारे ऊपर सदगुरु कृपा हो गई है, इसलिए मैं उसी अनुष्ठान का फल देने आई हूं। तो उनसे माता बोली कि अच्छा वर मांग। इन्होंने बोले, माता मुझे तो ऐसी कृपा करो, मेरे गुरुदेव की पूर्ण कृपा मुझ पर रहे और मुझे मुक्ति मिल जाए। बोले ये वरदान तो मैं दे नहीं सकती, तुम्हारे गुरुदेव ही तुमको दे पाएंगे। तो बस फिर बोले अच्छा माता ठीक है, आप जो प्रसन्न रहो। बोले हाँ ये तथास्तु कहके माता अंतर्ध्यान हो गई। तो इस तरह से ये तरह तरह के सिद्धों महासिद्धों के पास जाते थे और पूछते थे। ऐसे ये ध्रुव, जो ध्रुव हुए भगवान विष्णु ने जिनको वरदान दिया, वो ध्रुव के पास पहुंचे, वो काकी मुद्रा का ज्ञान लिया, काकी मुद्रा कैसी की जाती है। इस तरह से ये जो पूर्व कालों में पूर्व युगों में जो ऋषि मुनि हुए उनके पास चले जाया करते थे, उनसे ये सीखा करते थे। एक बार प्रभु जी ने इनको बुलाया और बोला कि ये बताओ कि क्या तुमको रामू बनना है, लड्डू बनना है? एक महात्मा था जो एक नाले के पास पड़ा हुआ था, उनका नाम था रामू। ऐसे एक शहर के बाद बाहर एक कचरे के पास एक लड्डू नाम का महात्मा था। प्रभु जी ने उनको भेजा कि जरा दोनों को देख के आओ। ये देख के आए, गंदे नाले के पास एक पड़ा, एक कचरे के ढेर के पास पड़ा। प्रभु जी बोले तुमको रामू या लड्डू बना दूं? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल मत बनाना, ऐसा कौन बनेगा, पागलों की तरह पड़े वहां पर। प्रभु जी बोले अच्छा एक काम कर, ध्यान लगा के देख उनकी स्थिति क्या है। तो रामू लब्दू की जब उन्होंने स्थिति देखी, अखंड मंडलाकार तेज में थे, बहुत ही ऊंची स्थिति के महात्मा थे वो दोनों, उनको सुचि असुचि का कोई भेद नहीं था, ऐसी स्थिति वाले महात्मा थे। तो प्रभु जी बोले देखो, तुमने बाहरी स्थिति देख ली, आंतरिक स्थिति में वो तो बहुत बड़े महात्मा है। इस तरह से इनके साथ बहुत सी घटनाएं होती रही। एक बार इनके मन में अपनी मां की याद आई, ये इन बालक जब छोटे बच्चे थे उसी समय इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ध्यान में देखा कि मेरी मां कहां पर है, तो देखा कि एक मछियारे के यहां एक छोटी सी बच्ची दो मछलियां पकड़ के लेके आ रही है। प्रभु जी ने ध्यान में बताया, बेटा ये तेरी मां है, पूर्व जन्म जो भी मां थी वो अगले जन्म में ये है। आश्चर्य में प्रभु जी, हम तो अग्रवाल परिवार के लोग हैं, पूर्ण सात्विक हैं, मेरी मां का ऐसी गति कैसे? प्रभु जी बोले कि बेटा ये तो तू अपनी बहन से पूछ कि तेरी मां की मृत्यु हुई कैसे। तो इन्होंने अपनी मां से पूछा, अपनी बहन से पूछा, तो बहन ने बताया कि उनकी मां को बहुत भारी पेट में उदर में दर्द हो गया था और काफी इलाज चला, दर्द ठीक नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया। तब अंतिम में एक बार जिस दिन मृत्यु हुई, उस दिन वैद्य ने बोला कि भाई इनको मछली का तेल पिला दो तो शायद पेट का दर्द शांत हो जाएगा। घर वाले दौड़े मछली का तेल का इंतजाम करने, पहले तो उन्होंने पीने से मना किया, बाद में मजबूरी में हाँ भी बोला। घर वाले गए, वो लौट के आ नहीं पाए, वो इनका प्राण निकल गए। इनकी मां के मन में अंतिम में वही भाव था कि काश मछली का तेल मिल जाता, मैं पी लेती और बच जाता। और ये अंतिम में ये संकल्प उनका रहा मन में, यही विचार रहा, अंतमति सोमति। और इसे इस तरह से वो जाके मछियारे के घर में जन्म ली, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि अंतिम में आपके जो जो जन जन भावों को स्मरण करते हुए तुम शरीर त्यागते हो,
तुम्हारा अगला जन्म उन्हीं भावों के अनुसार हो जाता है, बिल्कुल सिद्ध हुआ। तो इन्होंने प्रभु जी से प्रार्थना की, प्रभु जी किस तरह से इसकी सदगति हो जाए। प्रभु जी बोले कि अभी तुम उस लायक हो कि तुम्हारे संकल्प से तुम्हारी माँ की सदगति हो जाएगी। प्रभु जी ने आशीर्वाद दिया, तुरंत वो छोटी मछियारी बच्ची ने प्राणांत उसका हो गया, शरीर छोड़ दिया मछली मछियारी घर से और वो जाके दिव्य लोक में चली गई। इस तरह से इन्होंने अपनी माँ का भी अच्छा करा दिया, उनका पुण्य का लोधा करा दिया। इस तरह से ये प्रभु जी के चरणों में रह के अभ्यास करते रहे। ऐसे प्रभु राम लाल का नित लगाओ ध्यान, पाप ताप हारण उमा अनुपम करुणा खान, मुलक और गोपाल को लेकर एक दिन साथ, चढ़े कांगड़ा में गए गिरि पर दीनानाथ। सतसंगी कुछ और भी थे प्रभु जी के संग, बोले वे श्रीनाथ से हम सब हैं प्रभु दंग। तो मुलकराज जी महाराज और गोपालानंद जी दोनों की ध्यान स्थितियां बहुत ऊंची थी, दोनों तुरीयावस्था में रहते थे, आंख बंद रहते थे। प्रभु जी इनको लेके एक दिन कांगड़ा चले गए, कांगड़ा के एक पहाड़ पर प्रभु जी चढ़ते चले गए और ऊपर पहुंच गए। अंधेरा होने वाला था, लोग घबरा गए, बोले प्रभु जी ये तो बड़ी भारी गलती कर दी, ये दोनों तो नशेड़ी की तरह रहते, आंख बंद करके रखते हैं, बड़ा कठिन रास्ता था, हम किसी मुश्किल से हम लोग चढ़के चढ़ा के लाए, अभी दिन था, अभी तो अंधेरा होने वाला, तो रास्ता भी नहीं दिखेगा, ये कैसे उतरेंगे। प्रभु जी बोले इनकी चिंता मत करो, प्रभु जी बोले तुम सब उतर जाओ, ये तो पहुंच ही जाएंगे नीचे। और ऐसा कहके प्रभु जी ने दोनों को खड़ा किया और जोर से धक्का मारा नीचे की ओर। तो मुलकराज जी महाराज तो चील की तरह जैसे पक्षी उड़ के आता है, उड़ते हुए सीधा नीचे आके खड़े हो गए और गोपालानंद जी दादरी गति से फुदक फुदक कर लंबी लंबी छलांग मारते हुए नीचे आ गए। और ये जो जितने भी साथ के सत्संगी गए थे उनको तो काफी समय लगा, डेढ़ घंटा लगा उतरने में, और नीचे ये दोनों खड़े हुए मिले। तो सबने ही आंखों के सामने ये दृश्य देखा कि किस तरह से इनकी दिव्य गतियां हैं, कि ये सामान्य मनुष्य की समझ से बाहर हैं। और इस तरह से ये सारे अभ्यास में लगे रहे। प्रभु जी बीच बीच में अमृतसर जाया करते थे और अमृतसर में प्रभु जी एक बार रुके हुए थे, अमृतसर के प्रभु जी रहने वाले, तो आसपास के लोग उनको जानते भी थे और कई लोग प्रभु जी का विरोध भी मानते थे, क्योंकि प्रभु जी को मात्र एक ज्योतिषी साधारण ब्राह्मण समझते थे। लोग सोचते थे पता नहीं क्या आडंबर फैला रखा है, पुजवाता है और मात्र ज्योतिषी है। तो अचानक उस शहर में एक भैरव सिद्ध महात्मा आए और वो भैरव सिद्ध के पास प्रभु जी के विरोधी सब वहां पहुंचे। बोले महाराज यहाँ पर एक पाखंड कर रहा है ब्राह्मण, अपने को ईश्वर की तरह पुजवाता है, आप जरा ये पाखंड को दूर करो। वो महात्मा घमंड में था, आ गया प्रभु जी के सन्मुख आया और प्रभु जी को भला बुरा कहने लगा, अपशब्द कहने लगा। प्रभु जी के सामने वहां नीचे ब्रह्मचारी गोपालानंद जी बैठे हुए थे, उनको बड़ा क्रोध आ रहा था, वो प्रभु जी को बोलता जाए। प्रभु जी उनको बोला, अरे महात्मन आप महात्मा हो, आपको ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जी ऐसे समझाते रहे और जितना प्रभु जी समझाए उतना ही वो उल्टा उल्टा प्रभु जी से गलत अपशब्द बोले। और जब ये
कुछ ज्यादा ही हो गया तो गोपालानंद जी को भयंकर क्रोध आ गया, वो चिल्ला पड़े, चीख पड़े क्रोध में, बोला अरे मूर्ख तू जानता भी है किससे बात कर रहा है, तू जिस शक्ति का गुमान कर रहा है, देख इस छोटी सी बालिका में क्या है, एक छोटी सी बच्ची और बैठी थी। गोपालानंद जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया और वो लड़की भगवती दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई, और जैसी वो दुर्गा रूप में आई, भैरव जो है उसके शक्ति निकल के दुर्गा के पास पहुंची, माँ से माँ क्या आज्ञा है, माँ बोली कि इसने उस परम पिता परमात्मा का अपमान किया है तो इसको दंड दे। भैरव त्रिशूल लेके उस महात्मा के पीछे दौड़ा, महात्मा साष्टांग प्रभु जी के चरण पकड़ लिए, गिर पड़ा, बोले महाराज मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचाओ। प्रभु जी ने भैरव को शांत किया और इस तरह से महात्मा प्रभु जी से क्षमा प्रार्थना करके वहां से चला गया। सारे जो विरोधी साथ में आए थे वो भी उनकी उनको भी मौकी खानी पड़ी, वो समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन प्रभु जी थोड़े रुष्ट हो गए, प्रभु जी बोले देख, गोपालानंद जी से बोले तुमने किसकी आज्ञा से अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रभु जी बोले अच्छा अब तू मौन धारण करके यहां से चला जा। ये काफी रोए, प्रभु जी बोले नहीं मेरे वाणी निकली है, अब तू यहां से निकल जा, चिंता मत कर, इसमें भी किसी का उद्धार ही होगा। गोपालानंद जी प्रभु जी को प्रणाम करके निकले, आंख बंद किए हुए थे, तुरिया अवस्था में थे और प्रभु जी का चिंतन करते हुए चले जा रहे थे पगडंडी में। अमृतसर शहर के बाहर एक वैष्णव संतों का एक डेरा था, कई महात्मा उसमें बैठे हुए थे, वहीं पर कटक के कोई भट्ट मठ के मठाधीश थे, उनका नाम था बालकृष्ण बैरागी, वो अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने गोपालानंद जी को दूर से आते हुए देखा, उनके मन में लगा कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा है, तेज झलक रहा था उनकी चेहरे से। उन्होंने तुरंत शिष्यों को बोला बड़े आदर से इनको ले आओ, वो ले आए। ब्रह्मचारी जी को उन्होंने भोजन कराया, फिर हाथ जोड़ के बोले कि भाई आप में तो बड़ा दिव्य तेज है, आपके गुरु कौन है, आप कहाँ रहते हैं। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने बड़े आदर से प्रभु जी का नाम लिया, बोला कि ये मेरे गुरुदेव हैं, परब्रह्म हैं, वो यहाँ अमृतसर में विराजमान हैं। तो बालकृष्ण बैरागी ने बोला कि क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे, बोले हाँ जरूर मिलाएंगे। तो उन्होंने अपना सारा मठ का कार्यभार अपने किसी शिष्यों को सौंप दिया, सबको छोड़ छाड़ के गोपालानंद जी के साथ प्रभु जी के पास पहुंच गए। प्रभु जी के पास आके बालकृष्ण बैरागी ने प्रभु जी को प्रणाम किया, बैठ गए, बोले आप मुझ पर भी कृपा करो, सारा जीवन निकल गया, मैंने राम के दर्शन नहीं कर पाए, कोई अंतर अनुभूति नहीं हुई। प्रभु जी ने उनको आशीष दे दिया, उन पर शक्तिपात कर दिया, बोले तुम जो भी मंत्र को जपते हो मेरे सामने अभी बैठ जाओ, आंख बंद करके उस मंत्र जाप करो। फिर क्या हुआ, रामचंद्र भगवान ने दिया उन्हें आशीष, सतगुरु तेरे पूर्ण है दे अमर बख्शीश, पाकर उनके पद कमल हो गया जिनहाल, योग क्षेम तेरा करें बहन सदा प्रतिपाल, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, एक पुण्य कथा प्रभु राम लाल कह कर बचन सरस सुखदाई, अंतर ध्यान राम भय भाई,
उठे ध्यान से अब बैरागी, दृष्टि प्रभु चरणन में लागी। पुनि पुनि चरणन माथे झुकाया, प्रेमानी रनायनों में छाया। जो पाया नहीं उम्र गवा कर, पल में पाया नाथ ही पाकर। सतगुरु सत्ता है परम आकार, सतगुरु सत्ता है परम आगम अखंड अपार। देवी देवन में बसे सिद्ध ऋषि अवतार। कृष्ण दास ने ले लिया प्रभु जी से उपदेश, भजन ध्यान करते रहे तत्पर हो ये हमेशा। इस तरह से उनके शक्तिपात करने से उनको हर वक्त जो है भगवान राम के दर्शन होते रहे, उनका ध्यान बढ़ता गया, वो प्रभु जी के चरणों में लगातार रहने लगे। ऐसी घटना हुई, प्रभु जी ने फिर गोपालानंद जी को बोला कि अब तुम अपने संकीर्तन का प्रचार अलग अलग जगह जाके करो। प्रभु जी ने उनको लाहौर भेज दिया। लाहौर में रावी तट पर ये आश्रम एक छोटा सा बन गया, वहां पर ये डेली सत्संग करने लगे। घंटों भगवान कृष्ण की इन्होंने एक धुन बनाई, जो भारत में गोविंद जय जय गोपाल जय जय इनकी ही बनाई हुई धुन है, जो पूरे विश्व में आजकल है। प्रभु जी ने इसको आशीर्वाद दिया था उनको, ये धुन पूरी दुनिया गाएगी, ये नहीं जानेगी किसने बनाया, पर ये धुन सारे विश्व में गाई जाएगी। जो प्रभु जी का वरदान था वैसे ही है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ये ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने ही ये धुन बनाई थी। ये लाहौर में जब प्रचार कर रहे थे, डेली सत्संग करते थे, इनका एक बच्चा था वहां पर, बच्चा मतलब इनका शिष्य, उसका नाम था नंदलाल। नंदलाल को का अंतिम समय आया, वो मरने के लिए उस अवस्था में पहुंच गया, उसके प्राण निकल रहे थे। इनको प्रभु जी ने वरदान दिया था कि मूलाधार में जाके तुम जो संकल्प लोगे वो पूरा होगा। इन्होंने तुरंत ध्यान में मूलाधार में संकल्प लिया कि जब तक मैं लाहौर वापिस ना आऊं, नंदलाल के प्राण ना जाएं। ये तुरंत वहां से प्रभु जी के पास चल दिए, अमृतसर पहुंचे। प्रभु जी बोले इनको देखते ही, अरे भाई नंदलाल के प्राण क्यों अटका के आए हो? ये रोने लगे, प्रभु जी आप ही कुछ कर दो, दया करो, नंदलाल आपका ही बच्चा है, उसको अभी मरना नहीं चाहिए। प्रभु जी बोले अरे ऐसे किस किस को तो जीवित रखेगा, कोई अमर तो है नहीं, मरना तो है ही किसी को। बार बार रोते प्रभु जी बोले अरे तू लड़कपन करता है, तू जिद कर रहा है, कोई बात नहीं। प्रभु जी ने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, नंदलाल तुमको हंसता खेलता मिलेगा। प्रभु जी ने उसकी उम्र बढ़ा दी। नंदलाल उस समय 20-30 बरस का था। नंदलाल जी लौट के गए, पूर्ण स्वस्थ मिले और अपनी लंबी उम्र 70-80 वर्ष की उम्र तक वो जीवन यापन करते रहे, और वो भी भजन सत्संग करते रहे। तो इस तरह से इनका संकीर्तन पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण के बड़े प्रेमी थे। एक बार ये ध्यान में समाधिस्थ थे और उन्होंने देखा गोलोक धाम में प्रभु जी की आरती चल रही है। ये तुरंत वहां से ध्यान से उठे, बोले प्रभु जी यहां आरती हो रही है आपकी और कृष्ण जी की। प्रभु जी बोले अरे तू उठ क्यों आया, पूरा आरती ध्यान से देख और लिख के लाना। ये प्रभु जी आज्ञा पाकर फिर बैठ गए, सारी आरती उन्होंने सुनी। तो ये जो आरती हमारे सिद्ध गुफा समाई धाम में जो बोली जाती है, ये आरती इस लोक की नहीं है, ये गोलोक धाम में ये आरती कही जाती है। और ये आरती गोपालानंद जी महाराज लेके आए, फिर उनसे सभी लोगों ने लिख लिया और हमारे आश्रमों में बोली जाती है।
हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान की। आरती क्या है? चरण रविंदम गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि, भावो भव्य भावम त्रय त्रापुहारम, भावो भय विनाशम गुरुदेव नमामि, कल्याण रूपम आनंद कंदम धारामृतम शिव गुरुदेव नमामि, अरण्यम वरेण्यम सुरेशम रमेशम त्रय देव रूपम गुरुदेव नमामि, न जानामि जापम न जानामि ध्यानम पशुपति रूपम गुरुदेव नमामि, भूतेष्परम्यम परन्त श्रूपम भक्तस्य त्राणम गुरुदेव नमामि, घटाकाश गुप्तम महाकाश रूपम चिदाकाश रूपम गुरुदेव नमामि, अकल्पम मनूपम तपन्तम दिगंतम अगोगोचरा नमामि, सिद्धि अगम्यं सब पाद पदमे प्रबुद्धं शुभेशं गुरुदेव नमामि, चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि, चरणारविन्दं गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। दिव्य धाम गोलोक से प्रभु के प्यारे बालम स्तुति सद्गुरुदेव की लाए श्री गोपालम, एक बार श्रीनाथ जी ले शिष्यों को साथ आन पधारे आगरा सतगुरु दीना नाथ, निकट नगर के जान कर पूज समाई धाम संगत के मन में उठी लगन एक धाम, तपस्थली गुरुदेव की आवे आज निहार अवसर ऐसा क्या मिले जीवन में हर बार। इस तरह से ये आरती जो हम सभी कहते हैं हमारे आश्रमों में, ये गोलोक धाम की आरती है और ब्रह्मचारी गोपालानंद जी इसको प्रभु जी की आज्ञा से नोट करके लाए जो हमारे आश्रम में बोली जाती है। एक बार प्रभु जी गोपालानंद जी और भी प्रभु जी के बच्चे थे इन सबको लेके मथुरा से आगे आगरा के पास आए, लोगों ने समझा, लोगों को पता था प्रभु जी यहाँ पर सवाई में प्रभु जी गुफा बना के रहते थे, लोगों की इच्छा हुई कि वो दर्शन कराएं, सारे लोग गए, प्रभु जी वहीं रुक गए, ये लोग चले गए, कई जगह घूमते घामते आए उनको गुफा नहीं मिली, और लोग जहां जहां इन लोगों से पूछते समाई कहां है, लोग कुछ और ही सुनते और कुछ उल्टा ही जवाब देते, फिर सब हताश होकर आ गए। प्रभु जी ने फिर गोपालानंद जी को भेजा, बोले अच्छा बेटा तुम जाओ तुम्हें अवश्य दर्शन होंगे। ये गए, इनको गुफा के दर्शन हुए, वो प्रणाम करके
वहां से चले आए। समाई के लोगों को भी शक हुआ कि कोई बाहर से आया, गुफा के दर्शन किया, तो लगता है शायद श्री प्रभु जी यहाँ आने वाले हैं। क्योंकि प्रभु जी ने आज्ञा सबको आकाशवाणी बोली थी कि 12 वर्ष बाद हम पुनः एक बार फिर आएंगे। और इसी क्रम को निभाने के लिए प्रभु जी 12 वर्ष बाद फिर एक बार आए। इस समय प्रभु जी ने समाई में पगड़ी धोती पहनी हुई थी, जटाधारी वाला रूप लेके नहीं आए। लोगों से जानबूझकर अनजान बन गए, पूछने लगे भाई समाई कहाँ है, गुफा कहाँ है। लोगों ने पता बताया, गुफा में पहुंचे। प्रभु जी ने वहां रात्रि विश्राम किया। वहां पर झम्मन पंडित नाम का एक आदमी था, उसने प्रभु जी के पैर दबाए। और जब झम्मन प्रभु जी के पैर दबा रहा था, प्रभु जी ने उसका पैर दबाने का क्रम देखा, हंस पड़े, बोले जिसकी जो आदत होती है वो बदलती नहीं। वो एक पैर को बहुत जोर से दबाता था। झम्मन पहचान गया, प्रभु जी को बारंबार प्रणाम किया। प्रभु जी वहां कुछ ही और एक दो घंटे रुके और फिर वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए प्रभु जी। और जब तक गांव वाले आते, उस समय प्रभु जी जा चुके थे। अज अनादि स्वाधीन है प्रभु जी सर्वाधार, बांध उन्हें कोई क्या सके जो हरि विश्वाधार। इस आगमन के बाद में कुछ बरसों के बाद आए पुनि गुरुदेव जी, संग ले संगत साथ। कब किस से क्या काम ले, हो जग का उपकार, घर घर की वही जानते संस्कार दातार। प्रभु लीला पा प्रभु जी की लीला पार्षद, योगी राज महान, श्री चंद्र मोहन सम चंद्र के मोहक कृष्ण समान। है हरियाणा प्रांत में सुखद अलूपुर धाम, सतगुरु योगी राज का यही जन्म का धाम। अब घटना प्रारंभ होती है कि प्रभु जी के तब आगरा से वापस लौटने के बाद कुछ वर्षों बाद श्री महाराज जी संगत लेकर समाई धाम आए, इस धाम में रुके, इसका विकास किया। तो अब घटना श्री महाराज जी योगीराज चंद्र मोहन जी महाराज की है। हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, हमें कथा सुनाते योगेश्वर प्रभु राम की, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान, ये पुण्य कथा प्रभु राम लाल भगवान। बेप्रयार्य कुल के बेख्याता, जन में जहां दुखों के त्राता, पितु श्री देवी राम सुजानी, धीर धुरंधर उत्तम ज्ञानी, वेद शास्त्र उपनिषद के ज्ञाता, जग था जिनको मत झुकाता, पूर्ण आर्य पूर्ण आर्य जग के सुखदाई, श्री मध्यानंद के अनुयायी, ओज तेज के ए भंडारी, नियम निष्ठ अविचल तपदारी, भर नित संध्या हवन रचाते, आर्यों के सब नियम निभा।
जाते। तो हमारे श्री महाराज जी योगिराज चंद्र मोहन जी महाराज का जन्म अलीपुर में हुआ। इनके पिताजी के नाम श्री देवीराम जी था। ये आर्य परंपरा को मानने वाले थे, कुरुतियों का हमेशा विरोध किया करते थे। इनके परिवार में बचपन से इनको यही संस्कार मिले और आर्य पद्धति से ही इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। और बचपन में जब छोटे बालक थे तो कई बार रात्रि को बोलते थे अपनी माँ को कि माँ पता नहीं ये सामने ये बालक जो खड़ा है इसका तो बहुत चांदना होता है, बहुत रोशनी उससे हो रही है और कितना सुंदर ये फरगल पहने हैं, कितना सुंदर भगवान कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे, वो उनके साथ खेलने आया करते थे। तो बोलते थे कि ये बालक तो बड़ा सुंदर ही कपड़े पहने हुए है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना दिव्य प्रकाश हो रहा है। इस तरह से बार बार ये अपनी माँ को बोला करते थे। माँ आश्चर्य करती भाई कोई यहाँ बच्चा तो है नहीं, तू अकेला है। तो इस तरह से इनका बचपन बीता गया। आगे इन्होंने नांदल और हिसार में जाके बचपन की पढ़ाई करी और उसके बाद थोड़े से बड़े हुए तो इनको बड़े से स्कूल में भर्ती कराया गया। अमृतसर के बाद लाहौर चले गए। इनके गुरु थे आचार्य विश्व बंधु जी, बड़े प्रसिद्ध आर्य समाजी थे, वो इनके शिक्षा गुरु थे। और इनके इन्होंने उनके साथ उनके विद्यालय में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। और ये सब इनका अध्ययन पूरा होने के साथ साथ इनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति अति प्रेम था। भगवान कृष्ण इनके इष्ट थे, इनको ये बहुत मानते थे। एक बार इन्होंने अपने गुरु विश्वबंधु जी को बोला कि लगता है शायद मैं आर्य समाजी ना रह पाऊं। गुरु बोले भाई तू आर्य समाजी नहीं रहेगा तो तू क्या बन जाएगा। बोले मुझे कृष्ण से प्रेम है। बोले कृष्ण से तुमको भी प्रेम है, मुझे भी प्रेम है। तो गुरु बोले तो फिर क्या करना है। बोले मुझे तो वृंदावन मथुरा जाना है। बोले पहले शिक्षा पूरी कर ले फिर वृंदावन चले जाना। बार बार इनके मन में भावना रहती थी ये कृष्ण जी का ही चिंतन करें, उनका ही साधना करें, ये महाराज जी के मन में रहा करती थी। और इस तरह से इन्होंने एकांत में रहकर बहुत सारे अनुष्ठान किए। अपने शिक्षा काल के दौरान भी बहुत सारे अनुष्ठान जब तक किया करते थे। एक बार इन्होंने अमृतसर के पास जंडियाला एक जगह है वहां पर एकांत पर छोटे से गांव में एक मंदिर में रुक गए, वहां 30 दिन का अनुष्ठान किया। मंदिर का पुजारी इनको भोजन करा दिया करता था। जब अनुष्ठान पूर्ण होने को आया इन्होंने देखा कि भगवान शिव ने इनको दर्शन दिए। बोले और क्या दिखाया, इनके पैर में कुछ गंदगी लिबड़ी है। बोले थोड़ा सा ये गंदगी ठीक कर ले फिर तुमको सब कुछ दे दूंगा। भगवान शिव ने बोला ये गंदगी थोड़ी सी हटा ले फिर सब कुछ दे दूंगा। ये कह के भगवान शिव चले गए। और फिर इन्होंने एक दिन और दृश्य देखा, एक पगड़ीधारी महापुरुष हैं, प्रभु जी के दर्शन हुए पगड़ी धोती के रूप में। प्रभु जी एक कुएं से जल निकाल रहे हैं। जब ये पहुंचे प्रभु जी ने उनको जल पिलाया और फिर जल का वो डब्बा जो बाल्टी थी देके बोले अब इन सबको पिलाओ। तो जैसे ये जल पिलाने को हुए तो भीड़ बढ़ती गई, ये जल पिलाते गए, ये भी थके नहीं और भीड़ बढ़ती गई। ये दृश्य इन्होंने बार बार ये देखा, ये समझ नहीं पाए पगड़ी वाले कौन थे। अब जब इनकी उम्र 16.5 बरस की थी अमृतसर में ये अध्ययन किया करते थे। उस समय 1926 का समय था। प्रभु जी महाराज जी उसमें 16.5 बरस के थे 1926 में। तो उस समय जब ये अमृतसर पढ़ते थे वहां पर एक किताबों की दुकान थी, उनका विक्रेता का नाम था दुर्गादास भंडारी। ये नित्य शाम को घूमते घूमते वहां दुकान पे पहुंचते थे।
एक बार इन्होंने बोला कि भाई मेरे मन में योग सीखना है। दुर्गादास भंडारी बोले, योग सीखने के लिए तुमको तो हरिद्वार ऋषिकेश जाना पड़ेगा, वहीं पे योगी लोग रहते हैं। ऐसी चर्चा चल रही थी, अचानक एक दिन दुर्गादास भंडारी बोले, अरे भाई मुझे याद आया, यहाँ पर एक गुरु हैं जो हिमालय से योग सीख के आए हैं, उनके बारे में बड़ी ख्याति है, बड़ी बातें सुनी है, उनके एक प्रमुख शिष्य हैं, वो अभी यहाँ अमृतसर आए हुए हैं, उनसे तो मिल लो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तो ये रोज उस पुस्तक की दुकान पे आते थे कि शायद एक दिन मुलाकात हो जाए। जब एक दिन ये गए तो वहां मलहराज जी महाराज भी वहां पर मौजूद थे। दुर्गादास भंडारी ने इनका परिचय करा दिया, बोले भाई ये योग सीखना चाहते हैं। मलहराज जी महाराज ने ज्यादा बात नहीं की, उनसे बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं फला कमरे में फला जगह रुका हुआ हूं, तुम आके मिलना तो हम बात करेंगे। मलहराज जी महाराज ने महाराज जी को पता दे दिया और चले गए। महाराज जी अगले दिन मलहराज जी महाराज के पास पहुंचे। जब वो उनके कमरे में प्रवेश किए तो उस कमरे में गोपालानंद जी भी बैठे थे ध्यान में, और मलहराज जी महाराज भी थे। सामने प्रभु जी का चित्र पगड़ीधारी वो रखा हुआ था, पूजन का स्वरूप था। प्रभु जी का स्वरूप देखते ही ये आश्चर्यचकित हो गए, इनको याद आ गया कि हाँ ये तो सपने में यही थे। तो अचानक बोलते हैं, भाई ये कौन है, ये तो सपने में आए थे मेरे। तो इन्होंने मलहराज जी महाराज मुस्कुरा पड़े, बोले पता नहीं, ये ऐसे ही परब्रह्म है, परमेश्वर है मेरे गुरुदेव, ये हर किसी को बुला लेते हैं, जो उनके शरण में आने का संस्कार होता है तो बुला ही लेते हैं। उसके बाद में उन्होंने सारी घटना बताई। तो मलहराज जी महाराज बोले कि देखो अभी तो मेरे गुरुदेव यहाँ नहीं है, अभी तो ऋषिकेश में है, तो मैं यदि दर्शन अभी करना हो, इंतजार नहीं कर पा रहे हो, तो तुम ऋषिकेश चले जाओ। ऐसा कहके ये तुरंत जो है अमृतसर से ऋषिकेश के लिए निकल पड़े। तीसरे दिन ऋषिकेश पहुंचे, फिर क्या हुआ, मोहन ने आकर किया चरणों में प्रणाम, बोले भारती लाड़ में दीन बंधु सुख धाम, दे आशीष नाथ मुस्काए, मुख से अपने वचन सुनाए, अच्छा आ गए हो तुम भाई, मोहन बोले हाँ सुखदाई, चरण शरण में अपनी लीजो, शिक्षा हमें को योग की दीजो, सुन यह बोले लीलाधारी, उम्र है छोटी अभी तुम्हारी, जो अब तुमको शरण लगावे, माता पिता तुम्हारे अकुलावे, लिखो पढ़ो अब ही तुम भाई, फिर देवेंगे योग सिखाई। प्रभु जी के पास जाके बोले कि प्रभु जी मुझे योग सिखा दो। प्रभु जी ने बड़ा लाड़ प्यार किया, बोले अच्छा बेटा तुम अच्छे आ गए, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, 16.5 बरस के थे ये, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई कर लो, योग बाद में सिखा देंगे। ये जिद पकड़ गया कि नहीं मुझे तो योग सीखना है, और वही योग सिखाना जिससे कृष्णचंद्र मिल जाएं, वही योग सिखाना जिससे मुझे मेरे कृष्ण जी मिल जाएं।
प्रभु जी बोले देखो अभी तुमको योग सिखा दिया, तुम्हारे माता पिता बेचैन हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में योग सिखा देंगे। ये वहीं रुक गए। गुरु पूर्णिमा का अवसर था, ये सुबह से आश्रम से निकल जाते थे, गंगा किनारे बैठे रहते थे। शाम को आए तो एक वहां पर जो गुरु भाई थे वो बोले, अरे तुम आज दिन भर कहाँ चले गए थे, आज तुम्हारे किशन जी आए थे और ये खीर तुम्हारे लिए दे गए। बात तो बिल्कुल सत्य थी, इन्होंने मजाक समझी, खैर वो खीर इनको दे दी, इन्होंने खा ली। उस दिन गुरु पूर्णिमा का अवसर था। फिर प्रभु जी ने देखा कि मन में हट है, तो प्रभु जी उसी गुरु पूर्णिमा के दिन इनको पास में बुलाया और हृदय से लगा के इनको गुरु मंत्र दे दिया, इनको गुरु दीक्षा दे दी और नियम बता दिया कि 5 से 7 नियमित जप करना है, फिर 1 घंटे ध्यानाभ्यास करना है। ये नियम बता दिया। प्रभु जी बोले तुम कहीं पे क्यों ना रहो, चाहे अध्ययन करो, अमृतसर रहो, जहां चाहो वहां रहो, लेकिन ये नियम मत छोड़ना। प्रभु जी बोले अब बता तेरी मर्जी क्या। ये बोले कि मुझे वृंदावन जाना है। प्रभु जी बोले खुशी खुशी जाओ। ये प्रभु जी से आज्ञा लेकर और तुरंत जो है वृंदावन चले गए। इस तरह से इनका अभ्यास, महाराज जी ने अपना अभ्यास योगाभ्यास प्रभु जी की कई आज्ञा अनुसार इन्होंने कर दिया चालू। वृंदावन में महाराज जी आते रहे, बीच बीच में प्रभु जी के दर्शन के लिए भी आते रहे, लेकिन वृंदावन में डटकर उन्होंने योगाभ्यास किया। उसी समय की घटना है, एक बार प्रभु जी मणोराज जी महाराज के साथ में और भी शिष्यों के साथ में हरिहरि की पौड़ी के स्नान के लिए आए। हरि की पौड़ी पर थे, स्नान कर रहे थे, अचानक मुलकराज जी महाराज की दृष्टि कुछ लोगों पर पड़ी। बोले प्रभु जी ये तो आपके प्यारे बच्चे हैं, आपके संस्कारी हैं, और ये उतावले हुए उनसे बात करने के लिए। प्रभु जी ने डांट दिया, बोले चुप, यहां बात मत करना। ये प्रभु जी की कड़ी डांट सुनी तो चुप रह गए। प्रभु जी जब लौटने लगे रास्ते में, बोले प्रभु जी आपने इस तरह से क्यों मना कर दिया। प्रभु जी मल्हार जी महाराज को राजे बोला करते, वो राजे तुम जानते नहीं संस्कार संस्कार का जनक होता है, इन सब लोगों के जो संस्कार हैं मुझसे, उस जिनके द्वारा ये मेरे पास आएंगे वो भी अभी हमारे चरणों में नहीं पहुंचा। ये बात उन्होंने हमारे श्री महाराज जी के बारे में बोली थी, महाराज जी उस समय प्रभु जी के पास नहीं पहुंचे थे। तो इस तरह से कौन किसके द्वारा प्रभु जी के पास पहुंचेगा, प्रभु जी को सभी का ज्ञान था। महाराज जी के माध्यम से जिनको प्रभु जी के पास पहुंचना था वो समाई के लोग या हम सारे बहुत सारे लोग वो संस्कार से जुड़े। और प्रभु जी ने समझाते हुए बोला कि राजा यदि तुम फिर भी जबरदस्ती बात करते तो वो लोग तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं करते, तुमको फटकार देते, तुम्हारा अपमान कर देते, इसलिए मैंने तुमको वहां से बिना बात किए ले आई। खैर इधर महाराज जी वहां चले गए वृंदावन और अपना अभ्यास बढ़ाने लगे। तो बीच में वृंदावन से फिर आए अमृतसर, फिर पढ़ाई चालू कर दी अपनी और पढ़ाई के दौरान अपना सुबह का नियमित अभ्यास सुबह शाम का करने लगे। एक बार जब ये दोबारा से पुस्तक की दुकान में पहुंचे तो वहां पर हाथी दरवाजे के पास अमृतसर में इनका कोई पहचान का मिला, बोले अरे भाई तुम्हारे 2 गुरु भाई अभी आए हुए अमृतसर में, तुम मिले नहीं उनसे। तो महाराज जी ने जैसे सुना तो ये तुरंत दौड़ के मणोराज जी महाराज के कमरे में पहुंचे। तो क्या हुआ, मणोराज महाराज तब बैठे थे एक ओर, मगर लीन गोपाल थे पाए ध्यान विभोर। कुछ देरी के बाद में खुला था उनका ध्यान, आनन पूरण नूर से था अति दीप्तिमान। उठे ध्यान गोपाल तज करते प्रभु गुणगान, आप ही हैं प्रभु नहीं कोई आप समान। तो जब ये कमरे में पहुंचे
मुलकराज जी महाराज एक साइड बैठे थे आंख बंद करके, गोपालानंद जी भी ध्यान में थे। गोपालानंद जी ध्यान से उठे और क्या बोले, प्रभु बस आप ही आप हो, बस आप ही आप हो। ये इनको आश्चर्य हुआ, इन्होंने प्रणाम किया। फिर गोपालानंद से पूछा कि अरे भाई जी आप ये क्या बोल रहे थे कि प्रभु आप ही आप हो, आप ही आप हो। पहले तो गोपालानंद जी ने बोला अरे भाई तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम अभी नए जुड़े हो, मैं तुमको ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, तुम्हारा व्यवधान तुम्हारे को आ जाएगा, इसलिए सब मुझसे मत पूछो। ये जिद पकड़ गए कि नहीं अब आप मुझे बता ही दो, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है कि ऐसी आपने क्यों बोला। इन्होंने फिर बताया कि देखो भाई सुनना है तो सुनो, अभी ऋषिकेश में कोई मरणासन्न अवस्था में कोई व्यक्ति आया, उसने प्रभु जी से पुकार की, उसकी पत्नी ने, प्रभु जी ने उसका भयंकर टीबी रोग अपने शरीर में ले लिया, वो अस्थि कंकाल जैसा था, अब प्रभु जी की कृपा से वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, प्रभु जी को वो रोग आ गया, अभी 3 दिन बाद प्रभु जी स्वस्थ हो जाएंगे वो रोग संस्कार काट के। अब बोले अच्छा ये बात तो बता दी, बता तुमको विश्वास हुआ। तो महाराज जी बोले कि ये विश्वास की बात ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि मैं खाना खाऊं और तुम्हारा पेट भर जाए, ये तो हो नहीं सकता। गोपालानंद जी हंसने लगे, देखो मैंने इसीलिए बोला था कि तुमको ये बात नहीं बतानी, अब एक काम करो तो तुरंत टिकट कटा के ऋषिकेश चले जाओ, अपनी आंखों से सब देखो, नहीं तो तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ये तुरंत वहां से चल दिए ऋषिकेश, ये दूसरे दिन पहुंचे और वहां पर जैसे ही अंदर घुसे तो देखा काला गुस्सा, ये काला कंबल था प्रभु जी डाल के बैठे हुए थे बाहर कुर्सी पर, प्रभु जी थोड़े से दुबले पतले लग रहे थे, चेहरा थोड़ा पीलापन था। ये जाती बोले अरे आपको क्या हो गया, प्रभु जी बोले मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हो गया, मैं ठीक ही तो हूं। जब प्रभु जी ये बोले तो पास में एक महिला बैठी थी, वो जोर जोर से रोने लगी, बोले अरे नहीं ये मेरे वजह से हो गया, मेरे वजह से हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वजह से कैसे हो गया, तब उसने पूरी बात बताई कि देखो बात ऐसा है, मेरा नाम है ज्ञान देवी, ये मेरे पति माणिक चंद, हम माणिक चंद को बहुत भयंकर टीबी हो रखा था, बहुत जगह हमने इलाज कराया, कई अस्पतालों में उपचार कराया, और जब अभी कई महीने बाद जब इस डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, अब तुम इनको घर ही ले जाओ, अब इलाज का कोई फायदा नहीं, तो उस समय हम सोलन में थे, तो मेरे मन में थी कि अब तो ये मरने वाले होंगे, तब रात्रि को मैं चिंता में ही बैठी थी, अचानक नींद आ गई और नींद में भगवान कृष्ण आए, बोले देखो ये हमारा प्यारा बच्चा है पूर्व जन्म का, और इसको बचा सकना है तो तुम एक काम करो ऋषिकेश चले जाओ, प्रभु जी का स्वरूप दिखाया, बोले देखो ये एक बहुत बड़े योगेश्वर हैं, इनके चरणों में ले जाओ, हो सकता है ये कृपा कर दें, उसकी जान बच जाए। तो इन्होंने जैसे ही नंदलाल की ये बात सुनी, भगवान कृष्ण की बात सुनी, ये अपने पति को लेके वहां से गाड़ी करके ऋषिकेश आ गई। ऋषिकेश जब आई प्रभु जी कहीं बाहर घूमने गए थे, ये दरवाजे में घुस के आश्रम में बाहर ही बैठ गए, प्रभु जी घूम के आए, इन्होंने प्रभु जी ने इनको देखा भाई इसको क्यों लाई हो, तो ज्ञान देवी ने बताया कि ऐसी सी बात है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कुछ ही दिन का मेहमान है, प्रभु जी ने भी देखा, बेरुखी से बोला अरे भाई शरीर में जान तो है नहीं, योगासन तो कुछ कर नहीं सकता, हम कोई डॉक्टर तो है नहीं, योगासन द्वारा उपचार करते हैं, अब ये मेरे से कुछ नहीं होगा, तुम इसको ले जाओ। जैसी प्रभु जी ऐसा करके अंदर बढ़ते चले गए, वो जोर से रोने लगी कि लो आपके दरवाजे में भी मुझे हारी मिली, अब तो इनका मरना तय है, बड़े जोर से रोने लगी। प्रभु जी जाके अपने कुर्सी में बैठ गए, प्रभु जी को दया आ गई, फिर लड़के को भेजा, बोला कि इसको बोलो रोए मत, रोए मत, और इसके पति से पूछो क्या खाना है, उसको बोलो जो इच्छा हो वो खिला दे। इस तरह से ज्ञान देवी ने अपने पति से पूछा अच्छा भाई उनकी आज्ञा होगी, जो इच्छा खाओ, क्या खाना है, बोले पकौड़े लाओ।
वो बाजार गई, पकौड़े तले हुए लेके आई। उनके पति माणिक चंद्र ने कुछ ही पकौड़े खाए, एकदम बेहोश होके गिर पड़े। इनकी पत्नी को लगा कि वो मर गया। बोले अच्छा हुआ हम यहाँ ले आए, अभी मरने थे 3-4 दिन बाद, तुमने तो आज ही मरवा दिया। रोने लगी जोर जोर से। प्रभु जी कमरे के अंदर चले गए, फिर लड़के को भेजा, बोला उसको बोलो रोए मत, तेरा पति कुछ ही देर में उठ जाएगा। उधर प्रभु जी कमरे के अंदर बंद रहे, दरवाजे बंद कर लिए। कुछ ही देर में इनका पति उठ गया, स्वस्थ हो गया। बोला अरे तू रो रही है, उधर प्रभु जी बीमार पड़े, उनकी सेवा करो। माणिक चंद ने बताया कि जैसे ही बेहोश होकर गिरा, प्रभु जी सम्मुख प्रकट हो गए। प्रभु जी बोले देख आज से 3 दिन बाद तू मर जाएगा, यदि ये रोग तेरे पास रहा ला ये रोग मुझे दे दे। बोले जैसे ही मैंने मुंह खोला काला गोला निकला और प्रभु जी के शरीर में प्रवेश कर गया। प्रभु जी को भयंकर रोग इस समय हो गया है, 3 दिन तक वो रोग रहेगा। तो ज्ञान देवी गई, प्रभु जी बीमार थे, प्रभु जी की पूरी सेवा की। प्रभु जी वही कंबल ओढ़ के बैठे रहते थे और फिर धीरे धीरे 3 दिन में प्रभु जी स्वस्थ हो गए। प्रभु जी बाद में बोलते हैं कि अच्छा माणिक चंद्र अब अपना नैतिक धोती कर, आसन कर। प्रभु जी ने वो अभ्यास कराया और धीरे धीरे माणिक चंद्र पूर्ण स्वस्थ हो गया, शरीर खूब बलवान हो गया। प्रभु जी ने बाद में उन दोनों पति पत्नी को योग दीक्षा दे दी, उनका घंटों ध्यान लगने लगा। इस तरह से वो माणिक चंद्र जो बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में था, प्रभु जी कृपा से वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। माणिक चंद्र अच्छी जिंदगी जीने लगा। उसके बाद माणिक चंद्र का मृत्यु काल आया, प्रभु जी ने ध्यान में बता दिया कि भाई अमुक दिन तुम्हारी मृत्यु है, अब 5 दिन तक भोजन मत करना, मात्र गंगा जल तुलसी पे रहना, अपना अभ्यास खूब बढ़ा लो। माणिक चंद्र ने अभ्यास करने चालू कर दिया और अचानक उनके घर वालों ने बोला भाई उस जिस दिन तुम्हारा काल उस दिन पंचक पड़ा है। माणिक चंद्र ने अपने बेटे को भेजा प्रभु जी के पास, बोला पंचक में मरना ठीक नहीं, आप बताओ क्या करें। प्रभु जी ने अपनी गले से माला उतारी, बोला कोई बात नहीं अपने पिताजी को पहना देना, पंचक काल आराम से निकालें फिर जाना। माला पहना दी, माणिक चंद्र स्वस्थ रहा। अब माणिक चंद्र के अंदर लोभ आ गया कि जिस तरह से प्रभु जी ने वो टाल दिया तो क्यों ना कुछ उम्र और बढ़ा दें। माणिक चंद ने फिर लड़के को भेजना चाहा, लड़का गया। पिताजी कह रहे हैं क्या कुछ उम्र बढ़ सकती है। प्रभु जी उसके मन के भाव को जान गए। प्रभु जी बोले हाँ बढ़ सकती है, जितना उसने पुण्य कमाया है ध्यान द्वारा वो मुझे दे दे, मैं 10 वर्ष उसकी उम्र और बढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद ध्यान उसको नहीं लगेगा। वो लड़का लौट के आया, बोला कि ऐसा ऐसा प्रभु जी ने बोला। उसकी पत्नी ज्ञान देवी उसको फटकार लगाई, अरे किस तरह की बुद्धि पाई है, प्रभु जी सम्मुख बैठे हैं, इतना अच्छा पुण्यकाल है, मरना एक दिन सभी को है, तुम क्यों अपनी उम्र बढ़ाने के चक्कर में रहते हो, अभी जाओगे सदगति होगी, बाद की कौन जाने। पत्नी ने जब ये बोला उसको सदबुद्धि आई, माणिक चंद्र ने अपना मन ध्यान में एकाग्र कर लिया और बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करते करते 5वें दिन अपना शरीर त्याग करके प्रभु जी के चरणों में वो उनकी ज्योति विलीन हो गई। इस तरह से माणिक चंद्र का सदगति भी प्रभु जी कृपा से अच्छा हो गया। उधर महाराज जी जब ये सारी घटनाएं देखी माणिक चंद्र की, प्रभु जी के महाराज जी के मन में आया कि बड़ा ही दिव्य है योग, जिसके द्वारा क्या दिव्यता होती है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और वृंदावन में आके डट के अपना अभ्यास बढ़ाने लगे। जब महाराज जी वृंदावन में रहते थे तो वृंदावन में महाराज जी की एक संत से मुलाकात हुई, वो भी एकांत में रहते थे, उनका नाम था अवधूत अगरधत्ता। कहते उनको संत जन, कहते उनको संत जन अगरधत्ता अवधूत, तनिके वृद्ध बलिष्ठ थे अंग सुदृढ़ मजबूत, श्री चंद्र मोहन कुछ दिन रहे इस योगी के साथ, उसी समय की अब कहें योग परक कुछ बात। तो संत अगरधत्ता जो थे वो पहुंचे हुए महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे,
वो प्रकृति की उल्टी रीति के महात्मा थे। गर्मियों में 3 कंबल लपेट लेते थे, एक सर पर, एक कटी वस्त्र पर, एक कंधे पर डाल लेते थे, और सर्दियों में एकदम नग्न हो जाया करते थे। सब उल्टी रीति के काम थे, कुछ नहीं खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे। वो कहते थे जो जो खाता पीता सोता है वो मरता है। तो इस तरह की बातें वो किया करते थे, लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आया करती थी। तो उनके साथ महाराज जी रहे, उसकी कुछ कुछ घटनाएं यहां पर, चूंकि वो युग परक बातें हैं, महाराज जी ने इसमें लिखवाई हैं। तो वहां पर एक घटना ऐसी हुई कि मथुरा वृंदावन में एक हलवाई था, बड़ा फेमस हलवाई था, दुकान खूब चलती थी, लेकिन वो संतों को बड़ा अपमान कर दिया करता था, संतों को डांट दिया करता था। उस हलवाई की हरकतें ये लगातार थी। तो एक बार अगरदत्ता के मन में आई कि तू बहुत संतों का अपमान करता है, आज इसको सबक सिखाएं। अगरदत्ता जी उस हलवाई की दुकान पर पहुंचे, उससे बोला भाई पानी पिला दे। हलवाई जैसे सबको करता है बोला अरे तू हट जा, बड़ा पाया पानी पीने वाला, चल गई कि चल यहां से, ऐसे डांट के अगरदत्ता को भगाया। अगरदत्ता जी तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे, बोले देख भाई बड़ा मैं बड़ा नहीं आया, तूने बहुत संतों को देखा होगा, आज मुझे भी देख ले, तेरे तुझे बहुत घमंड अहंकार हो गया है, आज के बाद सारी मक्खियां मथुरा वृंदावन की तेरी दुकानों में आ जाएंगी, तेरी दुकानदारी ठप हो जाएगी, तभी तेरा ये नशा दूर होगा। क्या के वो चल दिए। उन्होंने जैसा बोला था तक्षण हो गया, मक्खियों की ऐसी भिनभिनाहट हो गई, हलवाई परेशान, भगाता रहे दिन भर कुछ नहीं हो, जो भी सामान खाने का बनाए उसमें मक्खियां मिले। धीरे धीरे करके उसकी दुकानों पर लोगों ने आना बंद कर दिया, उसकी दुकानदारी ठप पड़ गई। वो जगह जगह उस महात्मा को ढूंढे, अगरदत्ता उनको मिले नहीं। कई महीने बीत गए, लगभग 1 साल होने को आया, उसको किसी ने बताया कि अगरदत्ता जी वहां बैठे हुए हैं, महाराज जी बगल में बैठे थे। वो दौड़ते हुए आया, रोने लगा, बोले महाराज अब तो माफ कर दो, सब दुकानदारी चौपट हो गई। अगरदत्ता जी को दया आ गई, बोले अच्छा ठीक है, पहले जाके गौशाला में 500 रुपए चढ़ा और फिर आना। गौशाला में वो दौड़ के गया, 500 रुपए दान किया। गौशाला वाला भी बड़ा आश्चर्य में कि इतना कंजूस बनिया, ये 500 रुपए कैसे दे आया। फिर गया, फिर वहां पर अगरदत्ता जी ने उसको माफ कर दिया। धीरे 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 उसकी दुकान की स्थिति वैसी ही पुनः मिल गई उसको। तो ऐसी घटनाएं अगरदत्ता के साथ में और भी हुई बहुत सारी। अभी मास पराण 27वां विश्राम पहुंच गया है, आगे की घटना इनके साथ और भी घटनाएं हुई, किस तरह से क्या हुआ वो हम कल चर्चा करेंगे। अभी आज का हम यही विश्राम करते हैं प्रभु जी संकीर्तन के बाद। प्रभु जी हरि हरि ओम, सतगुरु हरि हरि ओम, प्रभु जी हरि हरि ओम, सतगुरु हरि हरि ओम, 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 प्रभु जी हरि हरि सतगुरु हरि हरि ओम, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम, प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम, प्रभु जी घट घट के वासी
प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरिओम प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरिओम प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरिओम प्रभु जी प्रभु जी हरि हरिओम सतगुरु सतगुरु हरि हरिओम प्रभु जी प्रभु जी हरि सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। आगे कथा हम कल वर्णन करते हैं। जय प्रभु जी।